हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, होली का पर्व आने वाला है और इस बार जो होली का पर्व है वो 24 मार्च और 25 मार्च का पड़ रहा है, यानी 2024 में। सब प्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। होली का त्यौहार आपके जीवन में सुख समृद्धि और बरकत लाए। जैसे होली पर 7 रंग होते हैं, उसी प्रकार आपके जीवन भी रंगों से भर जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो 24 मार्च की होली है उस दिन दहन होगा और 25 मार्च को जो है होली खेली जाएगी। तो दोस्तों, इस दिन मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, अगर अपनी लाइफ में आप करते हैं तो घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। सब प्रथम तो आप क्या करना है, आपको एक पीले रंग का कपड़ा लाएं, उसमें काली हल्दी रखें, 11 गोमती चक्र रखें, 11 कौड़ियाँ रखें, 1 चांदी का सिक्का रखें और उसमें आप गांठ लगा दें। फिर बिना कुछ बोले जहाँ पर होलिका माता जलाई जा रही हो वहाँ जाएं और 11 परिक्रमा करें। और परिक्रमा करने के बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो आपकी इच्छा, आप कितनी बार जपते हैं, मेरे हिसाब से कम 108 बार जप लें, परिक्रमा आप चाहे कितनी भी करें। उसके बाद आपको इसको, मतलब जो आपने पोटली बनाई है, इसको लाकर अपने घर की तिजोरी में रखें। तिजोरी में रखने के बाद आप हमेशा उसके लिए छोड़ दें। उससे क्या होगा, आपके घर में धन की बरकत बनी रहेगी। ये पोटली नहीं है, ये पोटली के रूप में साक्षात माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास है, इसलिए इसको जरूर रखें। दूसरी बात, 7 कौड़ियाँ लें। अगर आपके ऊपर नज़र लगती है बार बार या किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया या बीमारी बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रही, तो 7 आपको कौड़ियाँ लेनी है, अपने ऊपर से उल्टा घुमाएं और जहाँ पर होलिका माता का दहन हो रहा हो वहाँ पर इस भाव के साथ आप डाल दें कि मेरी जो है शरीर की जितनी भी पीड़ाएँ हैं, नज़र है, तांत्रिक दोष है या कोई भी बीमारी है, वो माँ दूर करो, उसमें डाल देना आपको। और होली के राग को लाल कपड़े में बांध कर स्फटिक श्रीयंत्र लाएं, उसमें रख के चांदी के सिक्के भी रख सकते हैं। 5 पीली कौड़ियाँ अपने घर की तिजोरी में रखें। कहने का मतलब मेरा यह है कि होली की रात को लाल कपड़े में रखना है आपको, और कोई स्फटिक श्रीयंत्र मिल जाए, किसी भी तरह का मिल जाए आपको, छोटा सा मिल जाए, बड़ा मिल जाए, आकार का कोई मतलब नहीं है, आप कितना भी बड़ा ले आए, उसको रखें। और चांदी का 1 सिक्का रख दें, 5 पीली कौड़ियाँ रख दें, इसको अपनी तिजोरी में रखें। होली की रात ही को रख दें, थोड़ी सी राख लिए उस टाइम तो निकाल लेते हैं जलने के बाद, साथ में आपको होली की राख भी रखनी है, इसको तिजोरी में रखें। इससे भी लक्ष्मी जी का स्थायी निवास आपके घर में बना रहेगा। और इस दिन खीर बनाएं केसर डालकर, और माँ लक्ष्मी का भोग लगाएं, होलिका माता का भोग लगाएं, उसके बाद जो ये खीर है किसी छोटी कन्या को अपने हाथ से खिला दें, 5 खिला दें, 7 कन्याएं मिल जाएं, 5 मिल जाएं, इनको जरूर खिलाएं। इससे भी माँ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप राहु की पीड़ा से ग्रस्त हैं तो आपको नारियल में अलसी का तेल, यानी नारियल ना बाजार से, उसके 2 टुकड़े करें, उसमें अलसी का तेल भर दें, उसमें गुड़ रखें और इस गोले को अपने ऊपर से बार कर आपको होलिका में मतलब डाल देना है, ये भावना करते हुए कि मेरे जीवन की जो राहु की पीड़ा है या किसी भी तरह के राहु के कारण मेरी जो है मतलब कोई घर में काम नहीं हो रहा है, घर में धन दौलत नहीं आ रही, सफलता नहीं मिल रही, नौकरी नहीं लग रही, किसी भी तरह की पीड़ा हो, आप इसको हरो और डाल दें। आप इसको सिर्फ डालना है अपने ऊपर से घुमाकर, भावना करते हुए, तो दोस्तों राहु की पीड़ा कम होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं कहूँगी होली का उपाय इसलिए बताए जाते हैं कि होली अपने आप में सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किए हुए जो उपाय होते हैं बहुत ही कारगर होते हैं, तो श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ करते हैं तो आपकी जो भी समस्याएं वो खत्म होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। अगर आपके घर में धन की हानि बार बार हो रही है, धन तो बहुत आता है लेकिन किसी न किसी रूप में हानि हो रही है, तो मुख्य द्वार पर आपको जिस दिन होलिका दहन है उस दिन थोड़ा सा धोएं और गुलाल छिड़क दें शाम के समय, और 2 मुखी या 4 मुखी आप दीपक जलाएं। जब दीपक ये जलकर मतलब बुझ जाए तो इस दीपक को आप जलती हुई अग्नि में डाल दें होलिका माता की। इससे भी कहा जाता है धन की हानि रुकती है। और इस दिन होली के अंगारों पर आप पापड़ भूंज कर जरूर खाएं। ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति होली के अंगारे पर पापड़ भूंज कर खाता है तो उसकी बीमारी दूर होती है और स्वास्थ्य में भी लाभ होता है। उड़द की दाल के पकौड़े बनाएं, ज़्यादा नहीं बनाएं तो थोड़े बना लें, जलेबी बाजार से ले आएं और सफाई कर्मचारियों को दें, उस दिन दें अगले दिन दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप देते हैं तो आपकी शनि की पीड़ा दूर होती है। और नींबों की माला भैरव मंदिर में आप चढ़ाएं, कोई भैरवनाथ का मंदिर है वहाँ जाएं और नींबों की माला 5 की बना लें, 7 की बना लें, वो आपके ऊपर है, और जाकर भैरव बाबा को आप चढ़ा दें, अपने मतलब सारी समस्त पीड़ाओं को बोलते हुए कि दूर करो बाबा और आप चढ़ा दो। और घर में जो है गरीबी आपकी बहुत ज़्यादा बनी है, यानी मेहनत भी कर रहे हो और सब घर के मेंबर लगे हैं लेकिन पैसा आता है रुकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है, तो आपको क्या करना है, इस दिन काला कपड़ा लें, उसमें आपको काले तिल डालें, 1 मुट्ठी डालें, 7 लौंग डालें, 3 सुपारी डालें, 50 ग्राम आपको काली सरसों डालनी है, और थोड़ी सी घर की मिट्टी ले लें। अगर पक्का मकान है मिट्टी नहीं तो थोड़ी बहुत धूल तो घर पर आती है, उसको ही लगा दें, और इसकी एक पोटली बना लें, अपने ऊपर से 7 बार, 9 बार, 11 बार उतार कर और प्रार्थना करते हो कि हे माँ, हमारे घर की दरिद्रता को दूर करो और दरिद्रता को होलिका के साथ ही जलाकर भस्म कर दो।
तो उसको आपको उतार कर इस पोटली को आपको जलती हुई अग्नि में डाल देना। जब होली माँ जल रही हो तो उसमें डाल दे तो आपके घर की दरिद्रता दूर होगी और घर में धन का स्थायी निवास बना रहेगा। और दोस्तों इस दिन जो है अगर बहनें जो हैं पहले से कंडे बनाकर अपने हाथ से रखती हैं तो उन कंडों को अपने भाई के ऊपर से उतार कर उल्टा घुमाना है, 7 बार 9 बार 11 बार उतार कर अगर वो होलिका में डालती हैं तो उससे भी भाई पर अगर कोई कलेश हो रहा हो या कोई पीड़ा आ रही हो, बाधा हो आ रही हो तो वो भी दूर होती है। और बजरंग बाण का पाठ आप इस दिन रात ही करें। किस दिन की बात कर रही हूँ, होलिका दहन की रात्रि उस दिन बजरंग बाण का पाठ करें। वैसे तो नियम ये है कि बजरंग बाण का पाठ इस दिन से शुरू करें, 40 दिन तक करें। अगर नहीं कर पाते तो एक दिन तो कर सकते हैं तो उस दिन जरूर करें। 7 गोमती चक्र लें, अपने ऊपर से उतारें। उतारने के बाद भी अपने कोई शत्रु आपके आसपास हो जो परेशान कर रहे हो तो उनका नाम लेते हुए कि मेरे जो है ये शत्रु मुझे परेशान करना छोड़ दे, किसी भी तरह की जो परेशानी क्रिएट ना करे, इसका मन बदल जाए, और ऐसा कहते हुए आपको होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल देना है। इससे आपकी शत्रु पीड़ा भी कम होगी। और ये भी कहा जाता है कि 7 गोमती चक्र जो है माँ की परिक्रमा करने के बाद होली की राख के साथ नमक और राई में मिलाकर अगर जहाँ सोते हैं वहाँ रखते हैं तो भूत प्रेत बाधा नजर नहीं आती, क्योंकि होलिका की राख में इतनी ताकत होती है कि कैसी भी निगेटिव एनर्जी हो उसको देखते ही भाग जाती है, क्योंकि उसको भय रहता है कि कहीं मैं भी जो है इसी की तरह भस्म ना हो जाऊं, क्योंकि भस्म इस बात को दर्शाती है कि देखो ये भस्म है, तुम आओगे तो तुम भी भस्म हो जाओगे, तो तेज होता है उसके अंदर, कहने का मतलब ये है। और इस दिन जो है आपको एक काम और करना चाहिए, घर के बाहर बंधन बार लगा दें आप आम का या अशोक के पत्ते का, मतलब दहन वाले दिन लगा दें या अगले दिन लगा दें, और एक बांस का पौधा लाएं और अपामार का पौधा ला सकते हैं, ईशान कोण में लगाएं, लाल रंग के जिसमें फूल निकलते हो तो उससे भी कहते हैं घर में धन की बरकत बनी रहती है। और श्री यंत्र लाएं जिसके ऊपर कुबेर यंत्र बना हो या छपा हो, चांदी की डब्बी ला सकते हैं, उसमें जो है एक सिक्का रखें, काली हल्दी की गांठ रखें और उसमें चांदी की डब्बी में थोड़ा सा गुलाल भी डाल सकते हैं और होलिका की जो भस्म है वो भी डाल सकते हैं, और इसको पीले वस्त्र में बांध कर माँ के आगे रखकर या लक्ष्मी के आगे रखकर पूजा करके इस भाव के साथ कि मेरे घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी निवास करे, इसको अपनी तिजोरी में रख दें। दोस्तों इसकी रात को एक कहा जाता है होलिका जिस दिन दहन होता है उस दिन की रात कहा जाता है कि कुछ चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए।